हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल फैक्ट बाय ऋषभ। कोरोना का नया रोग यानी कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने देश के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत गौटेंग में COVID-19 के नए वेरियंट ओमिक्रॉन वेरियंट की पहचान की है और इसके संभावित खतरों से WHO को आगाह कर दिया है। WHO ने इसे वेरियंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। अब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, तो जानकारी के लिए आपको बता दें, जब कोई वायरस तेजी से संक्रमण फैलाता है और रिसर्च में इसके खतरनाक होने की पुष्टि हो जाती है, तो इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा जाता है। वायरस की इस स्ट्रेन को इस कैटेगरी में रखने का मतलब है कि इससे अलर्ट रहने की जरूरत है। इस नए वेरियंट का साइंटिफिक नाम B11529 है, लेकिन WHO ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। इस वेरियंट का पहला केस पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका में मिला था। देखते ही देखते यह स्ट्रेन 14 देशों में फैल गया है। जर्मनी, इटली, बेल्जियम, इजराइल और हांगकांग में भी इसके मामले सामने आए हैं। साउथ अफ्रीका से आने वाली यात्रियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। ऐसे में सभी देश इसकी रोकथाम के प्रयास में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह वायरस काफी खतरनाक है। कम से कम 32 बार म्यूटेशन के बाद वायरस का यह वेरियंट सामने आया है। डेटा के आकलन करने के बाद WHO ने बताया है कि शुरुआती रिसर्च करने के बाद यह सामने आया है कि अन्य वेरिएंट की तुलना में इस वेरिएंट में री इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जो लोग COVID-19 से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं, वो इसकी चपेट में फिर से आसानी से आ सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पिछले बीटा और डेल्टा वेरियंट से अनुवांशिक रूप से अलग है। आपको बता दें, डेल्टा वेरिएंट को अभी तक का सबसे संक्रामक वेरिएंट माना गया है। WHO की सलाह पर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जापान, कनाडा, ईरान, थाईलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों ने साउथ अफ्रीका की यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति की स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो सकती है। ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में।